सर वेरी वेलकम टू दी अनादर वीडियो पीजीबीपी हम लोग चालू कर चुके हैं और पीजीबीपी के अंदर का सेक्शन ट्वेंटी क्या कर चुके हैं सर खत्म कर चुके हैं यस सेक्शन ट्वेंटी नाइन आपको दो मेथड देता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू कंप्यूट पीजीबीपी दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट फॉर दी एग्जामिनेशन हम पीजीबीपी के सेक्शन 28 के बाद सीधा जा रहे हैं सेक्शन 37 के अंदर में आधे से ज्यादा पीजीबीपी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट में सॉल्व होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज्यादा पीजीबीपी क्या होता है इसी सेक्शन के कारण सॉल्व होता है इसको कहा जाता है सेक्शन 37 या 37 वन भी इसे कहते हैं विच टॉक्स अबाउट जनरल डिडक्शन अगर इस सेक्शन की पांच कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दे तो किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर को डिडक्शन लिया जा सकता है हंड्रेड परसेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू एनी काइंड ऑफ 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 इफ इफ ही ही एनी ऑल ऑल दी कंडीशन कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर सेकंड इट शुड नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट शुड नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन थर्टी टू थर्टी सिक्स तीसरा कंडीशन है कि सेक्शन 30 से 36 के अंदर में कवर नहीं होना चाहिए चौथा इट शुड बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस होली एंड एक्सक्लूसिवली किस परपस के लिए यूज होना चाहिए बिजनेस परपस के लिए ही क्या होना चाहिए यूज होना चाहिए यस एंड इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ राइट अगर ये कंडीशनSatisfy हो जाती है तो आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाएगा

Any SSE incur any expenditure, deduction will be allowed equal to 100 percent if following conditions are satisfied. If following conditions are सेटिस्फाइड बताओ सर कौन कौन सी वो कंडीशन है सबसे पहली कंडीशन इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर बराबर है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए सर ऐसा क्यों क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में मान लीजिए डेबिट भी करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है ये क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं प्योरली बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसिस का अगर सर डिडक्शन दे दिया तब तो आपका बिजनेस प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं आर यू गेटिंग द पॉइंट तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए दूसरी कंडीशन क्या है इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि सर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इसके ऊपर क्या मिलना चाहिए डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए इसका डिडक्शन तो नहीं मिलना चाहिए इसके ऊपर क्या मिलना चाहिए डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन थर्टी टू थर्टी सिक्स ये थर्टी से थर्टी सिक्स के अंदर में कवर नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या हो जाएगा सर डबल डिडक्शन हो जाएगा इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इनकर किस लिए होना चाहिए होली एंड एक्सक्लूसिवली उस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए खर्चा होना चाहिए अगर आप इसका नेक्सेस नहीं बैठा पाते किसी खर्चे का नेक्सेस नहीं बैठा पाते कि ये बिजनेस या प्रोफेशन से है या नहीं तो फिर इसका आपको रिडक्शन मिलने वाला नहीं है इट शुड बी रियल एक्सपेंसेस not incurred it should not be it should not be prohibited by law or breach of any law Should not be personal expenditure, it should not be capital expenditure not covered not covered under thirty to thirty six Incurred wholly and exclusively for business or profession. खर्चा चल जाएगा डिडक्शन कितना मिलेगा सर अलाउड होगा हंड्रेड परसेंट अगर पांच कंडीशन सेटिस्फाइड पहला पर्सनल एक्सपेंसिस नहीं होना चाहिए दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए तीसरा ये थर्टी से थर्टी सिक्स में कवर नहीं होना चाहिए चौथा ये इनकर किया गया होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन चौथा पांचवा ये रियल एक्सपेंसिस होना चाहिए फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए और ये किसी भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए डन है सर अच्छा फर्दर फर्दर सेक्शन थर्टी सेवन टू बी फॉलोइंग एक्सपेंसेस फर्दर नॉट अलाउड एज डिडक्शन पॉइंट नंबर 1 सीएसआर एक्सपेंडिचर अब जरा ध्यान से समझिएगा सर सीएसआर एक्सपेंडिचर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है तो कंपनीज एक्ट पहले इसका डिडक्शन देते बैठे सेक्शन थर्टी 37 ऑफ पीजीबीपी इसका डिडक्शन नहीं देंगे हालांकि कुछ केस लॉज ऐसा कहते हैं कि यू नो सेक्शन 80 में हमें इसका डिडक्शन मिलता है दैट इज 80जी अगर हम डोनेशन वगैरह कर रहे हैं तो वो एटीजी के अंदर में देखेंगे यहां हाल फिलहाल में इसका कोई रिडक्शन मिलने वाला नहीं है दूसरा एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट और फैंपलेट इन ब्रोचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी देखिए पॉलिटिकल पार्टी के किसी ब्रोचर फैमिलिटी अट्रैक्ट के अंदर में क्या करना एडवर्टीजमेंट करना या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना ये कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर तो है नहीं क्लियर कट सेक्शन थर्टी सेवन टू बी कहता है भैया इसका आपको कोई रिडक्शन मिलने वाला नहीं है नॉट अलाउड फर्दर ये एक्सपेंसेस भी अलाउ होने वाले नहीं है ये एक्सपेंसिस भी फर्दर अलाउ होने वाले नहीं है यस yes. अब इसमें एक और चीज हुई है लिखते है लिखते जाइए हम फिर से से पूरा एक साथ रिकॉल करेंगे एक्सप्लेनेशन ये लेटेस्ट अमेंडमेंट जो एक्ट 2022 से आया और अब तक के इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं करके चल रहा हूं कि के में इसका आ सकता है थीके? तो चलो यहां तक के एक बार पढ़ते हैं कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लेंगे अगर वो एक्सपेंडिचर जो है ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को मेट कर रहा है कौन कौन से कंडीशन है पहला इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर दूसरा इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर तीसरा नॉट कवर्ड अंडर थर्टी टू थर्टी सिक्स चौथा इनकर्ड होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पांचवा इट शुड बी रियल एक्सपेंसिस एंड छठवा ये ब्रीच ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए दो खर्चों का डिडक्शन मिलने नहीं वाला पहला सी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को जो आप डोनेशन दे रहे हैं इसका भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला क्योंकि इसे पीजीबीपी में बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता अब फर्दर क्या हुआ है जरा समझिए इधर आइए एक्सपेंडिचर इज नॉट कवर्ड अंडर थर्टी टू थर्टी सिक्स इनकर्ड कडियन एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस नॉट अ कैपिटल नेचर नॉट ऑफ़ पर्सनल नेचर नॉट फॉर ऑफ़ प्रोहिबिशन ऑफ एनी लॉ तो आपको यहीं पे लिखिए नीचे डिडक्शन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा सर हंड्रेड परसेंट का फिर थर्टी सेवन टू बी क्या बोलता है नो डिडक्शन इज अलाउड टू सोवनियर ब्रैच फैम्पलेट एक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी देखो सेक्शन थर्टी सेवन में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला पर 80 के अंदर में इसका डिडक्शन मिल जाता है सीएसआर डोनेशन टू वेरियस एंटिटीज इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन प्रीमियम पेड बाय फॉर्म ऑन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा खैर ये तो हमने पहले भी बोला है कि किमेन पॉलिसी का जो डिडक्शन है आपको मिल जाएगा अब आते हैं एक्सप्लेनेशन थ्री के ऊपर एक्सप्लेनेशन थ्री ये फाइनेंस एक्ट टू का अमेंडमेंट है जिसका पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं राइट लास्ट वीडियो के अंदर में हमने पार्ट भी ऑलरेडी कर लिया है कि अगर आप जिसको क्या कर रहे हैं एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं पर सामने वाला इस गिफ्ट या बेनिफिट रिसीव ही नहीं कर सकता एज पर देयर कोड ऑफ कंडक्ट तो भी इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर in अगर आपने वो इनकर किया है राइट या फिर ब्रीच ऑफ लॉ के अगेंस्ट में आपने इनकर किया है तो इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है ये तो हम सबको पता है लेकिन लोग क्या करते थे ऐसे एक्सपेंडिचर अपने इंडिया में इनकर किया इसका डिडक्शन लेंगे लेकिन लॉ क्लियर नहीं था फॉरेन में किया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा लो आया फाइनेंस एक्ट 2022 थाउजेंड अमेंड हो और क्लियर कट बोल दिया भैया आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन दोनों का डिडक्शन हम देने वाले नहीं है इन दोनों का ही डिडक्शन हम देने वाले नहीं है फर्दर पॉइंट नंबर सी कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी करते हैं जैसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट में पेनल्टी पे कर देना राइट right. ऑफेंसेस के अगेंस्ट में इंप्रिजेंटमेंट लेने के बदले आप उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं यू नो पेनल्टी पे कर देते हैं इस तरीके कंपाउंडिंग ऑफ लॉ ही अलाउड नहीं है तो उससे रिलेटेड कंपाउंडिंग भी आपको अलाउ होने वाला नहीं है उससे रिलेटेड कंपाउंडिंग भी आपको अलाउ होने वाला नहीं है क्लियर है मालिक लिखते हैं expenses prohibited by law in india or outside india b, b. if expenses oblique gift oblique benefit given to another person but such other person cannot accept it by reason of its code of कंडक्ट सी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बेटा चलो वाह सर अब क्या होता है देखिए इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज तक के एग्जामिनेशन के अंदर में जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपके नीचे एक लिस्ट लगा करके देता हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए बड़ा आसान हो जाए कौन से अलाउ है कौन से एक्सपेंसिस अलाउ नहीं है ये तो पॉसिबल है तो रजिस्टर के अंदर में आप एक यू नो चार्ट मेरे साथ बना लीजिए एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बराबर है और एक एक चीज पर डिस्कशन करते हुए हम लोग लिखते जाएंगे एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करते हुए हम लोग लिखते जाएंगे कि ये कोई भी चीज ऐसी है तो वो क्यों है या नहीं है तो क्यों है सबसे पहले मैं आता हूं व्हाट अबाउट इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स पेड अलाउड है या नहीं है बताइए यस सर इनकम टैक्स पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इनकम टैक्स अलाउड नहीं है सरचार्ज जो आप पे कर रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है सेस जो आप पे कर रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है वेल्थ टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है अगर ये एक्सपेंसेस पीएनएल को डेबिटेड दिखते हैं अगर ये एक्सपेंसेस पीएनएल को डेबिटेड दिखते हैं तो ये एक्सपेंसेस को लेना है आपको नेट प्रॉफिट में बैक करना है ये एक्सपेंसेस को लेना है नेट प्रॉफिट में क्या करना है बैक करना है सर क्यों बैक करेंगे हम लोग सर बैक इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेज ने डेबिट होकर के क्या किया है प्रॉफिट रिड्यूस किया है और इसीलिए आपको क्या करना है बैक करना है जब भी ऐसा कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है यू हैव टू बैक टू नेट प्रॉफिट ठीक है अच्छा क्यों ये अलाउ नहीं किए गए हैं बिकॉज इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स वेयर एज अगर मैं बात करूं आपके जीएसटी की आपके सेल्स टैक्स की आपके एक्साइज की आपके कस्टम की राइट right? तो ये एक्सपेंसेस अलाउड है ये एक्सपेंसेस क्या किए गए हैं सर अलाउड है सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड एज डिडक्शन वेराज इंटरेस्ट ऑन जीएसटी इज अलाउड यस जीएसटी पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं यह अलाउड है डिडक्शन बोलकर के सर वॉट वॉट पेनल्टी पेनल्टी अंडर एनी एक्ट याद रखें जीएसटी की पेनल्टी हो जीएसटी की पेनल्टी हो इनकम टैक्स की पेनल्टी हो किसी भी एक्ट के अंदर में अगर आप पेनल्टी पे कर रहे हैं इसका रिडक्शन नहीं मिलने वाला पूछो क्यू अरे पूछो ना क्यू सर वो इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि इट इज फॉर ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ इट इज फॉर ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ तो ये लॉ का ब्रीच है इसके लिए आपको क्या नहीं मिलने वाला सर उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला ठीक है सर सर एक और बात बताइए वट अबाउट ड्रॉइंग वट अबाउट ड्रॉइंग अगेन ड्रॉइंग इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलता तो जो प्रोपराइटर ड्रॉइंग कर रहा है इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है सर सर अबाउट एक्सपेंडिचर अलाउड है एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया और ग्लो साइन बोर्ड अब ये ग्लो साइन बोर्ड क्या है सर आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर में जहां पे भी ओप्पो वीवो बहुत ज्यादा होगा या मोबाइल मार्केट होगा तो ओप्पो वीवो भर भर के खर्चा करते हैं दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने के लिए तो ये जो बोर्ड कंपनी लगा करके दे रही है दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड दीज आर कॉल्ड एज ग्लो साइन बोर्ड ये एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं बिजनेस के एक्सपेंडिचर है यस सर व्हाट अबाउट अल्टरेशन ऑफ एमओए अल्टरेशन ऑफ एओ अल्टरेशन ऑफ एमओए सोचो 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 अल्ट्रेशन ऑफ एमओ से रिलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है सर क्यों क्योंकि ये जो खर्चे है ये कैपिटल ने माने जाते हैं ये जो खर्चे ये कौन से nature के माने, जाते capital nature के माने जाते हैं कैपिटल ऑफ एसोसिएशन ये एक्सपेंसिस अलाउड है तो एमओए का जो एक्सपेंसिस है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन एओ ए का जो एक्सपेंडिचर है यह मिल जाता है सर वो लिस्टिंग फीस लिस्टिंग फीस लिस्टिंग फीस अलाउ है सर अदर लीगल एक्सपेंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट ये भी अलाउ है सर सर वेबसाइट डेवलपमेंट चार्जेस अलाउड है सर वेबसाइट ऑब्लिक एप डेवलपमेंट यस वेबसाइट एप डेवलपमेंट चार्जेस अलाउ किए गए हैं सर अच्छा सर व्हाट अबाउट प्रोविजंस हम लोग रिजर्व एंड प्रोविजंस बनाते हैं सर याद रखें जहां हम लोगों ने सेक्शन थर्टी सेवन के अंदर में लिखा कि भैया कि ये खर्चा क्या होना चाहिए रियल एक्सपेंसेस होना चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं रिजर्व एंड प्रोविजंस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड नॉट अलाउड सर क्यों क्योंकि ये कोई खर्चे है नहीं दीज आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोफिट ये कोई खर्चे थोड़े ना दीज आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोफिट तो ये खर्चे अलाउड नहीं है तो प्रोविजन फॉर लेट से बेड डेप्स प्रोविजन फॉर लेट से अदर टैक्सेशन दीज वोट बी अलाउड एस डिडक्शन सर वॉट अबाउट डिविडेंट एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंट ठीक प्रोविजन तो ऐसे भी अलाउड नहीं है अब आता डिविडेंट की डिविडेंट का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा सेस अलाउड नहीं है तो डिविडेंट दिख रहा है या प्रोविजन फॉर डिविडेंट दिख रहा है ये एक्सपेंसिस अलाउड नहीं है अच्छा बताइए आप गिफ्ट दे रहे हैं आप गिफ्ट दे रहे हैं टू तो इंपॉर्टेंट कस्टमर अलाउड है बिल्कुल अलाउड है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एशियन पेंट वाला एग्जांपल लिया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर में यस yes. तो जो आप गिफ्ट दे रहे हैं इंपॉर्टेंट कस्टमर को ये बिल्कुल एक्सपेंसेस बोल करके अलाउ रहेगा प्रोवाइडेड ये ब्रीच ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सर ये ब्रीच ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए बाकी तो तुम कुछ भी कर लो कोई तकलीफ नहीं है यस बताइए सर सर ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किया ट्रैवलिंग के लिए ऊपर खर्चा किया राइट बताइए किसी डायरेक्टर को किसी डायरेक्टर को क्या मिलने वाला है अवार्ड मिलने वाला है फॉरेन में तो ट्रैवलिंग पे खर्चा किया डायरेक्टर प्लस उसकी वाइफ का डिडक्शन मिलेगा और अगर मिलेगा तो किसका डायरेक्टर का, का वाइफ का दोनों का दोनों का भी नहीं मिलेगा फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर को क्या मिल रहा है एक अवार्ड मिल रहा है ये जो एडजस्टमेंट है ना ये इतने बार पूछी गई है कि डायरेक्टर को एडवर्टीजमेंट यू नो डायरेक्टर को फॉरेन के अंदर में अवार्ड मिल रहा है और ये अवार्ड लेने के लिए क्या हो रहा है डायरेक्टर जा रहा है अब वो जा रहा है अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा है तो मैं ऐसा समझ के चलिए कि भैया विराट कोहली सर विराट कोहली सर क्या कर रहे हैं फॉरेन में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और साथ साथ में अनुष्का मैम को भी लेकर के जा रहे हैं उनको कोई अवार्ड वहां पर मिल रहा है मैन ऑफ द मैच का या द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर आफ्टर सचिन तेंदुलकर का कुछ अवार्ड मिल रहा है तो बताइए क्या ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है ये अलाउ है या डिस अलाउ है क्या लगता है आपका दिल क्या कहता है अलाउ है सर ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर प्लस वाइफ टू रिसीव एन अवार्ड अब्रॉड टू रिसीव एन अवार्ड अब्रॉड सर बताइए लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग इथ सब्सिडरी सब्सिडरी को फाइनेंस किया इसका हम बेयर कर रहे हैं Not allowed. Loss on account of shares unless it's a business income. Loss on account of financing its subsidiary. Loss on account ऑफ फाइनेंसिंग इट सब्सिडरी नॉट अलाउड एज डिडक्शन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग इट सब्सिडरी नॉट अलाउड एज डिडक्शन सर बताइए फॉरेक्स जो हम लोग लेते हैं उस पर लॉस हुआ है अलाउड और disallowed allowed अलाउड फॉरेक्स गेन को क्या माना जाता है पीजीबीपी माना जाता है तो फॉरेक्स लॉस को जो है ये एक्सपेंसेस क्या करते हैं सर अलाउ करते हैं तो फॉरेक्स में गेन हुआ दैट्स अ पीजीबीपी इनकम फॉरेक्स में लॉस हुआ अलाउड एज एक्सपेंसेस इज ए डन सर व्हाट अबाउट ब्राइब पेड ब्राइब पेड पेनल्टी पेड पेनल इंटरेस्ट ये तीनों भी क्या होंगे सर डिस बिकॉज दिस आर ब्रीच ऑफ एनी लॉ राइट वेदर इन कर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वेदर इनकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वाई बिकॉज इट्स अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ वाई बिकॉज इट इज ब्रीच ऑफ एनी लॉ गेटिंग द पॉइंट अच्छा जी सर सर एक और बात बताइए आप क्या कर रहे हैं सर ले सी एस आर एक्सपेंडिचर दे रहे हैं अलाउ होगा या डिसअलाउ हो जाएगा हम पहले बोल के आ गए सर डिसअलाउ हो जाएगा सर व्हाट अबाउट डोनेशन डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन टू अदर कम्युनिटी डोनेशन नॉट अलाउड एज डिडक्शन मे बी अलाउ हो सकता है अंडर सेक्शन एट्टी जी पर अदर डोनेशन अलाउड नहीं है क्योंकि डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर ही नहीं है डोनेशन क्या नहीं है सर आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर ही नहीं है एंड सिंस डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है सिंस डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो इसका डिडक्शन पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आपको नहीं मिलेगा हां पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आपको नहीं मिलेगा पर यू you नो know, आप जब टोटल इनकम कंप्यूट करते रहेंगे आप जब क्या करते रहेंगे सर टोटल इनकम कंप्यूट करते रहेंगे तो आपको इसका क्या मिल सकता है डिडक्शन मिल सकता है तो आपको क्या हो सकता है सर डिडक्शन मिल सकता है इसके मे मूवमेंट बराबर है बराबर चलो तो सर ये अलाउड नहीं है बताइए एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलाउड और डिस अलाउ सर अलाउड है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हालांकि देर आर मल्टीपल केस लॉ जो कहते हैं ये अलाउ भी नहीं है बट दिस इज अटल जजमेंट दिस इज सेटल्ड जजमेंट इट इज अलाउड एज डिडक्शन सर वॉट अबाउट ऑफ राइट शेयर नॉट अलाउड एक्सपेंसिज ऑन इशू ऑफ राइट शेयर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है एक्सपेंसिज ऑन इशू ऑफ राइट शेयर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है Provision for loss of subsidiary. Provision for loss of subsidiary not allowed as deduction. Provision for loss of subsidiary not allowed as deduction. Yes. चलिए सर बताइए लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट चोरी हो गई नॉर्मल लॉस हो गया बिजनेस में क्या करेंगे अलाउड या डिसअलाउड अलाउड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट अलाउड एज डिडक्शन Yes. Achhaji. Sir, what about? वट अबाउट द पूजा अर्चना एक्सपेंसेस अलाउड बिजनेस में आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं पूजा अर्चना एक्सपेंसेस जो है यह अलाउड एज डिडक्शन है सर मतलब आप जो रिलीजियस एक्टिविटी बिजनेस के अंदर में करते हैं यह अलाउड है बोनस कमीशन जो आप पे कर रहे हैं एम्प्लॉ को बोनस पॉब्लिक कमीशन जो आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं या रिटायरमेंट बेनिफिट जो आप उनको दे रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट जो आप उनको दे रहे हैं दीज एक्सपेंसेस विल बी अलाउड डिडक्शन इसके नीचे दो तीन लाइन और खाली छोड़ कर रखना और कुछ याद आता है तो हम इसके अंदर में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ये वो चीजें हैं जो आज तक के बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको एग्जामिनेशन के अंदर में पूछी गई है राइट ये वो चीजें हैं जो अब तक के बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एग्जामिनेशन के अंदर में पूछी गई है ये हमने क्या कर दिया सर कवर कर लिया ये यस राइट तो सेक्शन थर्टी सेवन के अंदर में क्या किया है सर आपको डिडक्शन अलाउ किया गया सेक्शन थर्टी सेवन इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन डिडक्शन आपको क्या होगा बेटा मिल जाएगा आते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर नेक्स्ट सेक्शन है बेटा फोर्टी एट टू नेक्स्ट सेक्शन क्या है बेटा फोर्टी एट टू अब ये फोर्टी क्या सेक्शन है जरा समझना फोर्टी कहता है

अगर कभी भी आपने किसी भी तरीके का पेमेंट किया टू अ रिलेटिव टू अ रिलेटिव और ये पेमेंट एक्सेसिव या अनरिजनेबल है एक्सेसिव है या अनबल है तो जितना एक्सेसिव पेमेंट या अनरिजनेबल पेमेंट होगा ये क्या हो जाएगा डिसलाउव होगा तो जितना एक्सेसिव या अनरिजनेबल होगा ये क्या हो जाएगा डिस हो जाएगा यस सो अनजनेबल पेमेंट मेड टू रिलेटिव एज डिटरमाइंड बाय एओ इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन कितना एक्सेस पेमेंट जो रहेगा वो डिस होने वाला है

और देखेंगे पीजीपीपी में सारे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन रखे हुए हैं तो इन सारे सेक्शंस को हम लिखाएंगे अभी साथ साथ में सेक्शन फोर्टी एट टू पेमेंट टू रिलेटिव लिखते जाना साथ साथ में क्योंकि आपके ये पर्सनल नोट्स भी बनते जाएंगे एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव Which is excessive or unreasonable as determined by AO, as determined by AO, having regards to. फेयर मार्केट वैल्यू और बेनिफिट रिसीवड सच एक्सेस एक्सपेंडिचर सच एक्सेस एक्सपेंडिचर शैल बी डिस अलाउड एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव तो सेक्शन फोर्टी एट टू को आप ऐसे भी याद रख सकते हो हम दो हमारे दो दोनों भी रिलेटिव सेक्शन को कैसे याद रखोगे हम दो हमारे दो दोनों भी रिलेटिव तो एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव विच इज एक्सेसिव और एक्सेजनेबल अब अगर आप देखेंगे ना सेक्शन फोर्टी एट टू प्रैक्टिकली ना असमेंट के दौरान लगता है देखिए पेमेंट करना हमको जिसको पेमेंट करना हम तो उसको पेमेंट कर देते हैं बात समझना हमको जिसको पेमेंट करना है उसको हम तो क्या तो कर देते थे सर पेमेंट कर देते लेकिन होता यह है सर कि असेसमेंट के दौरान अगर चेक करता है कि जिसको पेमेंट किया गया है वो रिलेटिव ही है जिसको पेमेंट किया गया है वो रिलेटिव ही है तो वो ये चेक करता है कि मार्केट वैल्यू क्या है मतलब लेट से आपने रिलेटिव को सैलरी पेमेंट दिखाया बहुत सारे बिजनेस में होता है अपने बच्चे को यू नो सैलरी ट्रांसफर कर दी जाती है अब आपने उसको ट्रांसफर किया जनरली जिस काम के लिए उसे रखा गया उसके लिए सैलरी थी पंद्रह हजार रुपए जनरली उसके लिए सैलरी कितनी थी पंद्रह हजार रुपए और आपने क्या किया सर आपने उसको पेमेंट किया पच्चीस हजार रुपए यानी फेयर मार्केट वैल्यू पंद्रह हजार थी उसकी आपने कितना पे किया पच्चीस हजार रुपए कितना एक्सेस पे किया दस हजार रुपए ये दस हजार रुपए क्या हो जाएगा, हो जाएगा. ये दस हजार रुपए क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना आप खुदों के पीजीपी कंप्यूटेशन करते हुए कभी नहीं करेंगे ये एओ का पावर है इसीलिए यहां पे क्या लिखा है एज डिटरमाइंड बाई एओ क्या लिखा है बेटा

होगा, होगा होगा. कितना हो मालिक? 2000 हो Are you getting the point? अब ये है कि हमेशा से प्रॉब्लम में दिया होता है कि यू you नो know, ये रिलेटिव है या ये, ये रिलेटिव नहीं है गेटिंग द पॉइंट लिखो जल्दी से बेटा. चलो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा बहुत ही प्यारा सेक्शन है मल्टीपल टाइम पूछा जाता है हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट एक एडजस्टमेंट लेकर के आता है फोर्टी हम इसे कैश पेमेंट के नाम से बुलाया जाता है अब देखिए सरकार को क्या करना था सरकार को बड़ा सिंपली ये जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ना इन कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना था सिंपल है राइट right? ये जो कैश ट्रांजेक्शन होता है इन कैश ट्रांजेक्शन को क्या करना था अवॉइड करना था सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर एक लिमिट लगा दी लिमिट लगाई टेन थाउजेंड रुपीज की और गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए लगाई लिमिट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ की एक दिन में एक व्यक्ति किसी भी

टू पर्सन एक व्यक्ति को एक दिन में एक बिल के लिए राइट right? आप क्या नहीं करेंगे सर कैश में पेमेंट नहीं करेंगे एक्सीडिंग रुपीज टेन थाउजेंड एक्सीडिंग रुपीज टेन थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड एट द केस मे बी यस जो आपने पे कर दिया इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फर्दर क्या आप जानते हैं असेट परचेज करते टाइम पे भी अगर आपने दस हजार रुपए से ऊपर का कैश दिया उस असेट को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उसे एक्चुअल कॉस्ट में ही इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उसे एक्चुअल कॉस्ट में ही इंक्लूड नहीं किया जाता तो चेक करिएगा एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग टेन थाउजेंड और दैट इज गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड शेल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट बी डिसउड टू द एक्सटेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट अच्छा जी सर आ जाओ सेक्शन फोर्टी ए थ्री थ्री ए फोर सब एक साथ पढ़ना पड़ेगा हमें ये पूरी कैश सीरीज की है टू सिक्सटी नाइन एस टी टू सेवेंटी वन डी ए ये सारे सेक्शन हमें एक लाइन में पढ़ने पड़ेंगे आपको मजा आ जाएगा कि यार क्या समझाया है कैश पेमेंट ठीक है सब एक साथ कनेक्टेड वाली चीज है सबसे पहले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं सेक्शन फोर्टी ए थ्री के ऊपर सबसे पहले सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं 483. 483 क्या बोलता है कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को एक दिन में एक बिल के लिए दस हजार से ऊपर का कैश पेमेंट या थर्टी फाइव थाउजेंड ऑफ जी टी नहीं करेगा बराबर है एनी पेमेंट मेड टू पर्सन इन अ डे For a single bill exceeding 10,000 or 35,000 in case of good transport agency. अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड येस

आईएमपीएस चलेगा डेबिट कार्ड चलेगा क्रेडिट कार्ड चलेगा यूपीआई चलेगा भीम पे चलेगा ये हो गए अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन आएंगे सर अब आएंगे द Whole of such expenditure is disallowed. The whole of such expenditure is disallowed. डन बेटा चलो नोट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एनी पेमेंट में टूअ परसेंट इन डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग टेन थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस यानी कौन कौन से डिसअलाउड मोड है कौन कौन से मोड से पेमेंट नहीं करना है एक कैश से नहीं करना है दूसरा बेरर चेक से भी नहीं करना है बेरर चेक को एज गुड एज क्या माना जाता है कैश माना जाता है राइट तो बेर चेक से भी नहीं करना है लॉ बहुत क्लियर है कैसे करना है आपको अकाउंट पे ही चेक से ही करना है तो ही आप क्या कर पाएंगे रिडक्शन ले पाएंगे नहीं तो इसका रिडक्शन ले पाएंगे नहीं यस yes. अब देखिए क्या हुआ जब कैश पेमेंट के ऊपर रोक लगाई गई ना जब कैश पेमेंट के ऊपर क्या की गई रोक लगाई गई तो अच्छा इस सीरीज के अंदर में एक और चीज लिखना रूल सिक्स रूल सिक्स ए बी बी ए कर लिया रूल कर लिया ठीक है अब ध्यान से समझना जब लोगों के ऊपर इस पेमेंट की रोक लगाई गई तो लोगों ने बड़ा चालाक तरीका निकाला और ये चालाक तरीका वो कब यूज करते, करते थे ये चालाक तरीका वो यूज करते थे जनरली फरवरी या मार्च के महीने में वो क्या करते थे फरवरी और मार्च के महीने में राइट प्रोविजन बना देते थे और एक्चुअल पेमेंट अप्रैल के अंदर में कर देते थे वो भी कैश में अब लॉ क्या था एनी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर टू अ पर्सन अब आपने ईयर में तो पेमेंट किया नहीं आपने सबसिक्वेंट ईयर में पेमेंट किया तो डिसअलाउंस तो अट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं करंट ईयर का पेमेंट को फ्यूचर में करके

Subsequent year otherwise then in prescribed mode under section forty A three, still this allowance will be attracted. For example, Assessment year twenty two twenty three You made provision of rupees fifteen thousand Right in subsequent year twenty three twenty four You made payment of the same in cash डिसलावंस अंडर सेक्शन फोर्टी ए थ्री एट्रैक्टेड अंडर सेक्शन फोर्टी ए थ्री एल स्टिल भी अट्रैक्टेड चलो यानी करंट ईयर में कैश पेमेंट रोक दिया ईयर में कैश पेमेंट रोक दिया अब ये लोग भागते भागते प्रोफेशनल्स के पास गए वाह प्रभु कैश के बगैर तो धंधा हो ही नहीं सकता कुछ तो करो कुछ तो रास्ता निकालो कोई नया रास्ता निकालो कि किसी तरीके से जुगाड़ से हम लोग क्या कर सके कैश का पेमेंट कर सके अब जो जितने प्रोफेशनल्स थे इन्होंने क्या सजेशन दिया होगा इन्होंने बोला चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा ले लो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा ले लो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेकर के तुम क्या करो कॉन्ट्रैक्ट कर दो एक सादा सा ईमेल कर दो दूसरों को कि पेमेंट टू बी मेड इन कैश इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड यू विल बी स्यूड बरे बरे, अब मात्र कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या ले लिया? आपने एक सहारा ले लिया एक दूसरे को मेल कर दिया और उसके अंदर में पेमेंट का जो कंडीशन है ये क्या कर दिया दिया आपने कैश लिख दिया, कि भैया पेमेंट जो होगा वो कैश में होगा नहीं तो अदर पार्टी विल हैव अ राइट टू फाइल द सूट अब कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में एक आदा असेसमेंट में भैया तुमने कैश का पेमेंट क्यों किया फोर्टी ए थ्री में डिसअलाउड है फोर्टी ए में डिसअलाउड है फिर भी तुमने कैश के पेमेंट किए कैसे कर दिए भाई कैश के पेमेंट तुम लोगों ने कहता था सर मैं क्या करूं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहा हूं उनका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लिखा है कि मैं कैश पेमेंट करूंगा और अगर कैश पेमेंट नहीं किया तो वो मेरे को सूट फाइल कर देंगे तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहा हूँ गलत कर रहा हूं डिपार्टमेंट की बत्ती चली की, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया यार ये लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं तब जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया एक और सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया सेक्शन था सेक्शन ए सबसे फोर एक और सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया फोर्टी ए सबसेक्शन फोर सेक्शन में कहा कि मान लीजिए अगर कोई अग्रीमेंट कोई अरेजमेंट आपको कहता है कि आपको पेमेंट करना है इन एनी मोड अदर देन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन फोर्टी ए फोर द अदर पार्टी विल हैव नो राइट टू फाइल द सूट मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहे कि कोई भी एक्ट कहे सेक्शन फोर्टी ए फोर ओवर राइड एनी एक्ट ये कहता है कोई दूसरे एक्ट के हिसाब से भी अरेंजमेंट अग्रीमेंट तुम्हें कहता है कि पेमेंट जो करना है वो अदर मोड के अंदर में करना है अदर पार्टी विल नॉट हैव एनी राइट टू फाइल द सूट वो आदमी सूट फाइल करने का हक गवा देगा मतलब आप समझ रहे हो कि मोड ऑफ पेमेंट को ट्विक करके भी किसी तरीके से आप करने की कोशिश करते थे अदर लॉ के अंदर में वो भी अब इन्होंने क्या कर दिया डिस कर दिया अंडर एन अग्रीमेंट Public arrangement if payment is required to be made in any mode other than the mode, in any mode other than the mode. prescribe under section 40a3 the other party will not have right to file suit if payment is made in the mode prescribed सेक्शन फोर्टी एट थ्री तो सामने वाला लूजअप कर जाएगा आई गेस स्क्रीन हल्का सा एक सेकंड लेट चल रहा है जी सो अदर पार्टी विल हैव नॉट द राइट टू फाइल द सूट आप कितनी भी कोशिश कर लो कि भैया अग्रीमेंट में ले लो अरेंजमेंट में ले लो कि पेमेंट कैश में ही होगा और स्टिल अससी ने पेमेंट अकाउंट पे ही चेक नहीं किया द अदर पार्टी विल नॉट द सूट खत्म मतलब आप देखिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंटरलिंकिंग एंड पावर ऑफ इंटरलिंकिंग स्टडी फोर्टी ए फोर रूल सिक्स में आ रहा है जब पूरी सीरीज पढ़ो तो बहुत ताकत से पढ़ो एक ही सीरीज के अंदर में सब कुछ समझ में आना चाहिए अब आप आज तक के पढ़ते आए हो अलग अलग सेक्शन में इंग्लिश के जैसे डीटी को पढ़ोगे तो इंटरलिंकिंग कभी जमेगा ही नहीं और डीटी से कभी मोहब्बत होने ही नहीं वाली भैया रोमांसिंग द टैक्सेशन ये अपना उसूल है रोमांसिंग द टैक्सेशन आपको इंटरलिंकिंग करते आना चाहिए इस सेक्शन को इसके साथ पढ़ो इसको इसके बाद पढ़ो इसको इसके साथ पढ़ो तो आकर के आपको पूरा लिंक लॉजिक के साथ बैठेगा फोर्टी ए करंट ईयर में कोई भी पेमेंट करना है दस हजार से ऊपर थर्टी फाइव थाउजेंड के ऊपर केस ऑफ जी ए ये, ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट इसी से अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए यहाँ से हम गए रूल सिक्स ए बीबी पढ़ा रूल सिक्स एबीबी ए बताता है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है एनईएफटी आरटीजीएस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई बीम पे स फोर्टी ए थ्री ए कहता है करंट ईयर में ना पे करके अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर में भी अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट एस से पे करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा 4 कहता है आपने किसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर बोला कि अब मेरे को तो कैश में ही पे करना पड़ेगा स्टिल आपने अकाउंट पे चेक में भी पे किया द अदर पार्टी विल नॉट हैव राइट टू फाइल द सूट द अदर पार्टी विल नॉट हैव एनी राइट टू फाइल द सूट यहां तक के क्लियर है चलो नोट्स पढ़ो साथ साथ में

उड एज डिडक्शन नो पर्सन शेल बी अलाउड टू रेज इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट पेमेंट वॉज नॉट टेंडर इन कैश और एनी अदर मैनर उनके पास से राइट टू फाइल द सूट भी क्या होगा निकल जाएगा अब बात करते हैं रूल सिक्स दीदी की दैट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन फोर्टी ए थ्री सेप्शन टू सेक्शन फोर्टी ए थ्री देखिए हर पेमेंट कैश में नहीं हो सकता कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो देने ही थे यस yes, हर पेमेंट भी कैश में नहीं हो सकता अब तक हम इतना डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट नहीं हुए नो डाउट हम मैक्सिमम डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो चुके हैं पर अब तक हम इतने भी डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट नहीं हुए कि हमारा पूरा का पूरा पेमेंट ही यू नो वाइट में आना शुरू हो जाए और शायद इंडिया में पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम है हाँ आज से दस पंद्रह साल की बात मैं अलग कर रहा हूं पर हाल फिलहाल में मेरे को नहीं लगता अपकमिंग फाइव ईयर में भी कभी ऐसा हो पाएगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यस yes, अच्छा जी तो कुछ एक्सेप्शन दिए गए ये जो सर्टन पेमेंट्स है ना ये पर्टिकुलर सर्टन पेमेंट्स जो है ये आप कैश में भी करोगे तो भी चलेगा डिडक्शन मिल जाएगा राइट सो डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ पेड इन कैश तो डिडक्शन आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज के अगर आपने क्या किया है बेटा कैश में भी पे किया है तो भी आपको क्या मिल जाएगा सर डिडक्शन मिल जाएगा अच्छा जी सर कौन कौन सा पेमेंट पेमेंट इज मेड टू आरबीआई ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तब वे द पेमेंट इज मेड टू एल आई सी एन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हैं पेमेंट इज मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल आपने उस जगह पर पेमेंट किया जहाँ पर बैंक है ही नहीं खैर अब आप एओ के सामने जाकर के बोलेंगे ना यहाँ पे बैंक नहीं है तो सर मैं पेमेंट नहीं कर पाया वो नहीं मानेगा क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज यू पी आई रिगार्डिंग पॉइंट तो ये लिखा तो है लॉ में पर आई गेस यहां पर अमेंडमेंट होना चाहिए पेमेंट मेड टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिश और फिश प्रोडक्ट अगर आप फार्मर को पे कर रहे हैं एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए फॉरेस्ट एसेंशियल्स के लिए फिश फिश प्रोडक्ट्स के लिए तो ये पेमेंट अलाउड रहेगा क्योंकि उनको कैश में ही दिया जाता है पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय फॉर रिटायरमेंट बेनिफिप रूपीज फिफ्टी थाउजेंड आप ग्रेचुअटी वीआरएस का पेमेंट पचास रुपए तक के कैश में करेंगे चल जाएगा करेंसी के परचेज में अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं जो कहीं और पोस्टेड है एंड टू ऑर्थराइज मनी चेंजर फॉर फॉरन करेंसी तो ये अलाउड है तो ये पेमेंट है जब आप यू नो काय में करेंगे कैश में भी करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाएगा रजिस्टर में आइए रूल सिक्स डी डी एक्सेप्शन टू सेक्शन फोर्टी ए थ्री थ्री एनलाइन पेमेंट्स मेड इन कैश विल बी अलाउड एज डिडक्शन पेमेंट टू गवर्नमेंट पब्लिक आर बी आई पेमेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू रूपीज फिफ्टी थाउजेंड पेमेंट मेड अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी मान लो किसी से कुछ पैसे आने बाकी थे उसके अगेंस्ट हमने से बुक एंट्री पास कर दी एक्चुअल पेमेंट किया ही नहीं Payment made to employee posted in different area for more than fifteen days. डन है सर चलो जी अब फोर्टी एट थ्री पढ़ा करंट ईयर के पेमेंट फोर्टी एट थ्री सब्सिक्वेंट ईयर के पेमेंट फोर्टी ए फोर अग्रीमेंट करके तुमने अगर कैश लेने की कोशिश की वो भी डिसला हो जाएगा यस yes. रूल सिक्स डी डी एक्सेप्शन टू फोर्टी ए थ्री फोर्टी ए थ्री ए भी हम लोगों ने कर दिया अब दो चीज बाकी है टू सिक्स टू सिक्सटी नाइन एस टी टू सेवनटी वन डी ए अब टू सिक्सटी नाइन एस टी क्या बोलता है जरा समझिएगा ये एक और लिमिट देता है कोई भी व्यक्ति एक तो पेयर की लिमिट लगा दी एक रिसीवर की लिमिट लगा दी कोई भी व्यक्ति

अगर गवर्नमेंट रिसीव करिए गवर्नमेंट तो करोड़ों रुपए एक ही दिन में रिसीव करती है गवर्नमेंट रिसीव कर रही है बैंकिंग कंपनी इतना सारा कैश एक ही दिन में रिसीव करती है तो उनको भी एक्सेप्शन में रखा गया है टू सिक्सटी नाइन एस एस वाले ट्रांजेक्शन तो वो यहाँ से बाहर है इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ तो पर्सन जिनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो अब तक उन्होंने जो स्पेसिफाई किया है वो है पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक तो बैंक पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक क्योंकि इनका काम ही कैश कलेक्ट करना है तो इनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो so, 269 एंड 271 भी हमारा क्या होगा ओवर तो so, ये सीरीज हमारी पूरी की पूरी क्या होगी ओवर नो पर्सन शैल रिसीव फ्रॉम अनादर पर्सन सम एक्सीडिंग टू लैक डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस और अदर मोड कॉन्ट्रावेंशन अप्लाइज पेनल्टी इक्वल टू हंड्रेड परसेंट दन तो अब तक के हम लोगों ने क्या पड़ा ट्वेंटी एट थर्टी सेवन फोर्टी एट टू फोर्टी एट थ्री